आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा पीएम, मोदी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को लेकर सर्वे में बड़ा खुलासा। क्या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनने के रेस में सबसे आगे है, या फिर राहुल गांधी यहां पर सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे, या कोई और बनेगा पीएम? जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 543 सीटों और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एक एक सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। देश की जनता इस बार किससे चुनने जा रही है प्रधानमंत्री? क्या विपक्ष की एकजुटता से नरेंद्र मोदी हार जाएंगे या फिर नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले केरल से। केरल में 20 लोकसभा सीट आती है, 20 में से एनडीए गठबंधन ने खाते में 2 लोकसभा सीटें और INDIA गठबंधन ने खाते में 17 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तमिलनाडु की, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट आती है। 39 लोकसभा सीट में से 17 लोकसभा सीट के साथ एनडीए INDIA के साथ यहां पर 21 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। 21 लोकसभा सीट आती है, 21 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है? तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। तो वहीं INDIA गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा के 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के राय के समक्ष रख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो 29 लोकसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीत सकता है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहां पर 40 लोकसभा सीट के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक के राज्यों में। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 11 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट आती है, 25 में से यहाँ पर 15 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट आती है, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडियन गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट आती है, 28 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट जा सकती है। अन्य खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए खाते में 67 यानी कि 67 सीट, 45 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 23 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर 17 में से 10 लोकसभा सीट के साथ एनडीए तो अन्य पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट के रहना पड़ेगा। मणिपुर की, जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट आती है, 2 में से एनडीए खाते में 1, INDIA के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडियन गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यार बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में 155 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 79 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 46 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, और बात करें तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट और दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए, INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए खाते में 84 यानी कि 84 सीट यहाँ पर अपने खाते में कर सकती है, इंडियन गठबंधन खाते में 46 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात की जाए अरुणाचल
प्रदेश यानी कि पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट हैं, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन। बाकी बात कर लेते हैं इंडियन गठबंधन को, यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दादरा नगर हवेली की, दादरा नगर हवेली में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। बाकी बात कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों की। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वैसे बात की जाए लोकसभा की 543 सीटों में से 170 यानी कि 77 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहां पर एनडीए गठबंधन खाते में 99 सीट यानी कि 99 सीटों के साथ एनडीए, तो वहीं 48 लोकसभा सीट के साथ यानी कि 48 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर यहां पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 180 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 102 सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 48 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 सीट यानी कि 30 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। दमन और दीव की, दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए यहां पर अपना पलड़ा भारी रख सकती है, इंडिया गठबंधन यहां पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर एनडीए खाते में 105 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 48 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, INDIA के खाते में 21 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 30 यानी कि 30 लोकसभा सीट जा सकती है। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट होगी। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 30, इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है, 3 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको यानी कि जनता के राय आपके समक्ष रख रहे हैं, इसलिए ऐसे देखा जाए तो यहां पर 181 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, यूपीए यानी कि इंडियन गठबंधन खाते में 73 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट और 25 की 25 लोकसभा सीट पर एनडीए। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में एनडीए के खाते में सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें। इंडिया गठबंधन यानी कि राजस्थान और गुजरात में इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड में 1 सीट पर अपना खाता खोल सकती है इंडिया गठबंधन, एनडीए खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट जा सकती है, यानी कि राजस्थान, गुजरात और झारखंड में अपना जलवा बिखेरती नजर आ रही है एनडीए, यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इन राज्यों में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 349 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर एनडीए खाते में 245 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 74 सीटें यानी कि 74 सीट और अन्य पार्टी खाते में 30 यानी कि 30 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, 29 लोकसभा सीट है, 29 में से यहां पर 25 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में मात्र 4 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट और 40 में से एनडीए खाते में 30, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई
नजर आई है यूपी की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आती है और 80 में से यहाँ पर 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में मात्र 10 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में पर धीरे धीरे सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 370 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 98 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दिल्ली की यानी कि राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती है, 7 में से एनडीए खाते में 7 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट है। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 2 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 528 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 111 सीटें, एनडीए गठबंधन खाते में 387 सीटें और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार और प्लस अच्छी खासी लीड के साथ नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में अपने पाले में कर सकते हैं। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट जा सकती है। बात कर ली जाए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट और 4 में से यहाँ पर सभी चारों की चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। बात कर ली जाए जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीट और 6 में से 4 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोक सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट और 5 की 5 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 400 लोकसभा सीट अपने खाते में करने में कामयाब रह सकते हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 113 सीट और अन्य पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट यानी कि 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू दोस्तों।